अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इवनिंग रूटीन। यहाँ बज चुके हैं शाम के 5 और मैं बना रही हूँ चाय। साथ में बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और मैं यहाँ फ्राइज़ बच्चों के लिए नहीं, सब घर वालों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि हमारे घर में सब बहुत शौक से फ्राइज़ खाते हैं। मौसम इतना अच्छा हो गया है कि अब हर फ्राई आइटम बहुत अच्छा लगता है खाने में, और दिल भी चाहता है शाम के टाइम की कुछ खाया जाए चाय के साथ। आज जब मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई तो देखा तो आलू रखे हुए थे बहुत सारे। तो मैंने पूछा क्या आलू का आज कुछ भुर्ता बनेगा, तो उन्होंने कहा नहीं आज फ्राइज़ बना लो, बहुत दिनों से फ्राइज़ नहीं खाए, तो फिर क्या जल्दी से आलू कट करें और फिर जल्दी जल्दी से फ्राइज़ बना लिए। बच्चों को जब पता चला ना कि फ्राइज़ बन रहे हैं तो उनसे तो वेट ही नहीं हो रहा था, और वो हर बार पूछे तो मम्मा बन गए, मम्मा बन गए, बन गए। जब बन जाएंगे तो मैं आप लोगों को दूंगी। तो फाइनली यहाँ मेरा पहला जो था वो तैयार हो गया है, और ये मेरे बच्चे यहाँ पे अपनी अपनी प्लेट्स लेके रेडी खड़े हुए थे कि बस जल्दी से जैसे निकले कढ़ाई से और इनको चाहिए फ़ौरन। इनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, ये देखिए बिल्कुल एक्साइटेड है चिप्स खाने के लिए। एक्साइटेड नहीं, सुपर एक्साइटेड। अपने अपने पसंद के सॉसेस भी इनके हाथ में थे और बस चिप्स का इंतज़ार हो रहा था। फाइनली चिप्स निकाल के सबसे पहले बच्चों को दी तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बच्चों के लिए थोड़ी सॉफ्ट बनाई थी क्योंकि ये लोग थोड़ा सॉफ्ट फ्राइज़ पसंद करते हैं, और बाकी सब बड़े जो हैं वो ना क्रिस्पी, सुपर क्रिस्पी चिप्स जो है ना वो खाते हैं। अब मेरी बेटी की बारी आ गई तो उन्होंने भी अपनी पसंद का सॉस निकाल लिया और उनको भी मैंने फ्राइज़ जल्दी से गर्म गर्म दे दिया। इतने में मैंने और ऑयल में फ्राई करने के लिए फ्राइज़ डाल दिए थे, और मैं यहाँ अपने बच्चों का रिव्यू लेने के लिए आई हूँ कि उनको फ्राइज़ कैसे लगे। तो जी ये मेरे बेटे का रिव्यू है, इसको बहुत पसंद आए, और अब ये मेरी बेटी का रिव्यू है, उसको भी बहुत पसंद आए। सबको फ्राइज़ खिलाने के बाद जी अब बारी आई है मेरी फ्राइज़ खाने की। तो मैंने अपनी मनपसंद सारे सॉसेस उसके अंदर डाले, और सुपर स्पाइसी क्योंकि मुझे पसंद है, तो मैंने अपने हर मसाला वसाला सब ऐड किया था, चटनी रायता सब कुछ। तो ये मेरी प्लेट है जो कि मैं सबको खिलाने के बाद इंजॉय कर रही थी। बहुत मज़े के फ्राइज़ बने थे, और साथ में मैं इंजॉय कर रही हूँ चाय। आजकल मेरे हस्बैंड देर से आ रहे हैं तो मैं आजकल चाय भी अकेले पी रही हूँ और हर चीज़ अकेले इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को आते हैं। यहाँ तो हो गया था अच्छी बहू का फ़र्ज़ अदा, अब अच्छी मम्मा का फ़र्ज़ अदा हो रहा है। यहाँ मैं अपने बच्चे को दूंगी ट्यूशन, उसको करवाऊँगी स्कूल का होमवर्क, और साथ में जो उसको काम मिलता है स्कूल का सारा काम करवाऊँगी बैठ कर, और उसको मैं अच्छी तरीके से, उसके पेपर हो रहे हैं तो मैं उसको अच्छी तरीके से सारा होमवर्क याद करवाऊँगी। आज हस्बैंड को कॉल करके मैंने पहले ही बता दिया था कि आज मैंने डिनर में बनाई हैं भिंडियाँ, जो कि वो खाते नहीं हैं, तो मैंने उनसे कहा था जो आपको खाना हो अपनी पसंद का लेकर आ जाइएगा। तो क्या मेरे हस्बैंड अपने लिए, क्या मेरे लिए, क्या सबके लिए अपनी उनकी पसंद का खाना लेकर आ गए माशाल्लाह से। मेरे दोनों बच्चों को माशाल्लाह से ब्रोस्ट बहुत पसंद है, तो उन दोनों के लिए ब्रोस्ट आया था। मेरे हस्बैंड कबाब वगैरह बहुत शौक से खाते हैं, तो उन्होंने अपने लिए गोला कबाब लिए थे, और मेरे लिए जो लाए थे वो थे मलाई बोटी, जो कि बहुत मज़े की थी, गोला कबाब से भी ज़्यादा बहुत मज़े की थी। और साथ में था सलाद, चटनी, रायता, पूरी, पराठा। मेरी सास और नंदे जिंगर शौक से खाती हैं, और ये सास जो है ना वो रोल पराठा बहुत शौक से खाती हैं, तो उन लोगों के लिए रोल पराठा और जिंगर आए थे माशाल्लाह से। इसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और साथ में इतना अच्छा डिनर मेरे हस्बैंड लाए थे तो मीठा कैसे भूल सकते थे। तो हमारे यहाँ आज आया था गाजर का हलवा, जो कि बहुत मज़े का था, देसी घी में बना हुआ था, और ये हमारे यहाँ सर्दियों में पहली दफ़ा आया है। इसे मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।